Hi guys, my name is Tahir Farooq and my name is Sabi Sohail. Welcome back to our channel Insane Jits. जल्दी से जाके हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो करें लाइक और बेल आइकन को दबाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना. So guys, आज हम एक बहुत ही anticipated और बहुत अरसे के बाद एक हीरो को वापस देखने लगे हैं. आर माधवन की फिल्म आ रही है रॉकेटरी. इसका ट्रेलर नंबर 2 रिलीज हो चुका है और जो सिनेमा में आएगी 1 जुलाई 2022 को. So without any delay, वेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं. और ये हमने लिया वायरफ के चैनल, वायरफ के चैनल से, जिसकी ओरिजिनल लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द ओरिजिनल वीडियो. स्टार्ट. सर, दुनिया भर में लोग ना 60-70 टन की इंजन बना रहे हैं और हम यहाँ 600 किलोग्राम की खिलौना बनाकर खुश हो रहे हैं. सर, ये रॉकेटरी नहीं है, पपेटरी है. इन रॉकेट्स के जरिए हमें कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होंगे. क्या कहते हो? ऐसा ऑफर ले लें. ये फिर से हमारे काम दिमाग छीनना चाहते हैं. मम्मी नारायण प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सबको लगता है कि लिक्विड इंजन मेरी वजह से फेल हुआ है, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपकी वजह से फेल हुआ हूँ. किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है. ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है. बिल्कुल. वैसे ये बात कितनी सही है कि जैसे अभी बहुत से ऐसे कह सकते हैं कि झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी बंदे पे. जैसे अभी पिछले दिनों एक श्रीलंकन जिसको जलाया गया था पाकिस्तान में, उसमें जो फेक ब्लास्फेमी का केस चला गया था, तो वो हमने उसको मतलब फेक केसेस बना जाते हैं. और अक्सर हमारे सब कॉन्टिनेंट में, चाहे साउथ एशिया जितना भी कवर की जाए, वहाँ पर अगर किसी को इल्ज़ाम लगा दें कि ये मुल्क का गद्दार है, तो उसको यही देखा जाता कि वो सच में गद्दार है या उस पर फेक गलत एलिगेशन है, उस पर आप फौरन पे तहकीक नहीं की जाती. बस मुझे तुम लोगों से कोई गलत सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ. एक मिशन के लिए आए हैं. There's no time. अब सितारों तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी. वाह. क्या समझ रखा है मुझे? रॉकेट की जर्नी. रॉकेट साइंटिस्ट. वाह. Awesome. अच्छे थे. इसमें था कि आपको पता है इंडिया पिछले जब उनका स्पेस मिशन था, वो बिल्कुल चांद से निकल से कुछ 8-9 मिनट पीछे जाके रुक गया था. वो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग तो भी कुछ कर ही नहीं सके. लेकिन इंडिया का जो ISRO मिशन था, चंद्रयान मेरे ख्याल से जो मिशन था, वो बिल्कुल मैं कहता हूँ वो बिल्कुल करीब आ गया था. और मेरे ख्याल से इसी के आसपास ये उन साइंटिस्ट के लिए मूवी बनी है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी एक कंट्री को स्पेस तक पहुंचाने में. तो मैं इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा. दूसरी बात, और 3 डेट्स के बाद मैं आज इनको काफ़ी अर्से बाद देख रहा हूँ, तो मतलब बहुत चेंज आया, बहुत ज़्यादा. सिर्फ एक्टिंग में नहीं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत चेंज आया. बीच में कुछ मूवीज़ देखी हैं, तनु मर्ड्स मनु रिटर्न और भी कुछ देखी हैं, लेकिन अब जो मेजर जो फिल्म अभी आई है 3 इडियट्स के बाद, तनु मर्ड्स मनु के बाद, अब उनकी रॉकेटरी आई है. लिखी भी उन्होंने खुद है और डायरेक्ट भी उन्होंने खुद की. उसमें शाहरुख खान भी होंगे एक स्पेशल अपीयरेंस में. तो ये एक बाकी में टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि लोगों ने शाहरुख खान को देखा ही नहीं इतने अर्से से. तो ये पहली अपीयरेंस होगी शाहरुख खान की आफ्टर मेरे ख्याल से 0 2018 में जो आई थी उसके बाद 5 साल बाद. तो ये एक बहुत बड़ी मतलब मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म होनी चाहिए जो शाहरुख खान के फैंस हैं. तो ये था हमारा रिएक्शन रॉकेटरी के लिए. आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.